हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो है इजी वे चिकन पॉपकॉर्न। चले देखते हैं प्रोसेस, इजी वे में चिकन पॉपकॉर्न कैसा बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसके लिए हमको चाहिए बोनलेस चिकन, छोटे छोटे पीसेस कट करके रखना है। हाफ किलो चिकन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून पेपर पाउडर, ये ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 डार्क सोया सॉस है, इसको 1 टीस्पून ऐड करनी है डार्क सोया सॉस को। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ये है कॉर्नफ्लोर, इसको भी 1 टीस्पून ऐड करनी है। आपके पास नहीं है तो आप 1 टीस्पून मैदा ऐड कर सकते हो। इसमें 1 एग ऐड करनी है। अब इन सबको अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे। ये है मैदा, इसको 1/2 किलो ली थी मैंने। अब इस चिकन पीसेस को एक एक करके इसमें सेपरेट से इस तरह डाल के इसको डस्टिंग करनी है। अच्छे से इस तरह हम चिकन पीसेस को मैदे में डिप करके अब एक प्लेट में साइड पे रख देंगे। जो एक्सेस मैदा है उसको इस तरह निकाल के प्लेट पे रख लेना है। बाकी सबको इसी तरह करना है। देखिए, फाइनल में हमको थोड़ा एग बचा हुआ था, उसमें इस पीसेस को ऐड करके सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब चाहे तो मैदे में नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए भी डिप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास कॉर्नफ्लेक्स हो तो उसमें डिप कर लेना। मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स है इसलिए मैं कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये रॉ कॉर्नफ्लेक्स है। हम इसको अच्छे से पाउडर कर लेंगे। देखिए, मैंने पाउडर कर ली थी। अब इस पाउडर में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर टेस्टिंग के लिए। आप चाहे तो इटालियन सीजन भी ऐड कर सकते हो, पेपर भी ऐड कर सकते हो, जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा ऐड कर ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करके जो आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं होता तो आप मैदे में थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड करके कोट कर लेना चिकन पीसेस को। इस प्रोसेस को 2-3 टाइम्स रिपीट करना। अदरवाइज़ इस तरह चिकन को इस पाउडर में, कॉर्नफ्लेक्स पाउडर में डिप करके साइड पे रख देते हैं। जो एक्सेस पाउडर है उसको निकाल देंगे। इस तरह सभी पीसेस को इसी तरह डिप करके कोट करके रख लेना है दूसरे प्लेट पे।
देखिए मैंने सबको इस तरह करके प्लेट पे ले ली थी। अब हम डीप फ्राइंग के लिए कढ़ाई में ऑयल लेके, ऑयल हीट होने के बाद इस पीसेस को मीडियम फ्लेम में ऑयल में ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में इसको हम 5 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई करनी है। जो वो गोल्डन ब्राउन कलर एंड क्रिस्पी नहीं होते जब तक इसको फ्राई करनी है। बहुत आसान एंड सिंपल रेसिपी है एंड बहुत टेस्टी भी है। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एंड रमज़ान के लिए जो ये रेसिपी है वो बहुत हेल्दी भी होगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गया, बिल्कुल बाहर वाले की तरह टेस्ट भी कर रहा है, बहुत टेस्टी है। चिकन भी बहुत सॉफ्ट कुक हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।